हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रेडे गाइड शिवांश मशीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 13 दिसंबर को कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन से बाय और सेल साइड में स्टॉक्स होने चाहिए और किस तरीके से मार्केट मूव करेगी कल के सेशन में। सो गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने 11 दिसंबर को ही अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको निफ्टी के चार्ट दिखाए थे और उसके बारे में पूरा A to Z पूरी एक्सपायरी के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से एक्सपायरी जा सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में रहे होंगे। तो आपको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको वीडियो की एंड में मैं आपको निफ्टी का चार्ट शो करूंगा, उसमें मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपको अपनी आज की परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा। ये परफॉर्मेंस यूट्यूब के बेस्ड में नहीं है, ये परफॉर्मेंस है जो मैंने आज अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को जो मेरे सर्विसेज लेते हैं मैंने उन्हें जो कॉल्स प्रोवाइड कराई थी अपने थ्रू। सो गाइज, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए इन द सेंस, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं जो भी अपने प्रीमियम क्लाइंट्स जो हैं उन्हें जो मैं कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ वही कॉल्स मैं आधे घंटे बाद एग्जैक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और उससे जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं जिस टाइम पे हमने बाय करा है, जो हमारा बाय प्राइस होता है, जो हमारा सेल प्राइस होता है, जिस टाइम पे हमने बाय कर रखा होता है वही आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट के थ्रू हमें शो कर देता हूँ। सो गाइस, आज जो हमने ट्रेड लिया था वो हमने लिया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। हमने ये सारे जो ट्रेड्स लिए हैं वो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ले रखे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमने 500 क्वांटिटी बाय कर रखी थी जिसका लॉट साइज था 718 पे, 737 पे हम इसमें एग्जिट कर गए थे। गाइस, जो हमारे एग्जिट प्राइस होते हैं वो हमारे कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं वो कितना रिस्क ले सकती है किसके ऊपर डिपेंड होता है। सो गाइस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमने बाय करा था 913 पे, 933 पे हम एग्जिट कर रहे थे। यस बैंक पे हमें अच्छा खासा ट्रेड आज नहीं मिला है, 185.30 पे हमने बाय कर रखा था, 137 पे एग्जिट कर गए थे, पर जो हमारा टारगेट आ रहा था वो 192 का आ रहा था, वो शायद कल अचीव हो जाए। हमने जो बाय कर रखी थी 26,700 की बैंक निफ्टी की कॉल बाय कर रखी थी, 400 क्वांटिटी हमने बाय कर रखी थी 38 रुपीज में, जो आज हम 80 रुपीज में एग्जिट कर गए थे। कुछ क्लाइंट्स ने ये कॉल ऑप्शन अभी भी होल्ड करके रखी हुई है कल की एक्सपायरी के लिए, कुछ क्लाइंट्स यहाँ से निकल चुके हैं, तो अगर हम बताएं तो हमने 80 पे एग्जिट करवा दिया था। 11,000 की निफ्टी की कॉल हमने 375 बाय कर रखी है 17 रुपए में और ये अभी कुछ अराउंड 44 समथिंग रुपीज में चल रही है और ये स्टिल होल्ड है। तो ये हमने 11,000 की निफ्टी की कॉल हमने कैसे बाय करवाई और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था, अगर आपने उस वीडियो के चार्ट्स को ध्यान से सुना होगा, उस वीडियो के हर एक बात को ध्यान से अगर आपने सुना होगा। सो गाइस, आज जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 45,000 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ चार ट्रेडिंग, चार कॉल्स लेने में, और 11,000 की जो निफ्टी की कॉल है वो स्टिल होल्ड है। अब बढ़ते कौन से ट्रेडिंग सेशंस में या कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें यूबीएल, सनफार्मा, टाइटन, अशोक लेलैंड, जीएनए, एक्सेल्स है। यूबीएल बाय करने की सलाह 1248, 1262 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1218 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सनफार्मा बाय करने की सलाह 438, 444 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 422 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा सनफार्मा के अंदर। टाइटन सेल करने की सलाह 921, 912 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 944 का मेंटेन करके टाइटन के अंदर रखना पड़ेगा। अशोक लेलैंड बाय करने की सलाह 108, 111 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 102 का मेंटेन करके अशोक लेलैंड के अंदर रखना पड़ेगा। जीएनए एक्सेल बाय करने की सलाह 359, 366 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 344 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस, मैं आप लोगों को जो मेरे प्रीमियम सर्विस क्लाइंट्स के जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैं कल इन पांच में से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिसे मैं फ्यूचर होल्ड करने की सलाह कल से देना शुरू कर दूंगा। मंथली एक्सपायरी है ये, वीकली एक्सपायरी के बेसिस में आपको मैं ऐसे दो स्टॉक्स हैं इन पांच में से जो मैं वीकली बेसिस के अंदर होल्ड करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को देने वाला हूं। अगर आपको वो जानना है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं, आपको उसमें बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है, तो आप मेरी वो पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस थ्रू व्हाट्सएप कॉल, अगर आप व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं तो आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगी सारी डिटेल्स। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि निफ्टी अब किस तरीके से मूव कर सकता है तो उसके लिए मैं आप निफ्टी के चार्ट्स में चलते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 5 दिसंबर पे ही बता दिया था कि यहाँ पर एक मेजर्ड पूल शेप पैटर्न बन चुका है और उसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ सकता है। ब्रेकडाउन आ सकता है तो उसका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है जो इस रेंज का डिफरेंस है, इस रेंज का जो डिफरेंस है वो है 250 पॉइंट्स का। सो जो यहाँ से फॉल आ सकती है यानी कि 10,550 से जो फॉल आ सकती है वो भी 250 के नीचे तक आ सकती है। तो अगर आप
एस्टीमेट लगाएंगे 10,550 माइनस 250 तो 10,300 का लेवल आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो इसने लो मारा है वो 10,330 का मारा है, यानी कि एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास उसने मारा और वहां से वो बाउंस बैक कर गया। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर गाइस 10,550 के ऊपर वो क्लोजिंग नीचे की तरफ 2 दिन क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि 10,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 10,000 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। पर गाइस अगर वो उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 10,550 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम 11,200 की लेवल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। और वो आज हमने सेशन में आते वाले टाइम में देख लिया कि निफ्टी ने 200 पॉइंट्स तक की मूवमेंट दे दी। सो गाइस उसी तरीके से हमने 11,000 की कॉल ऑप्शन को बाय करते हुए चला था। अब हम बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी है जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुकी है, जिसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बहुत ऊपर की तरफ बढ़ चुकी है। पर हम देख सकते हैं जो निफ्टी है वो 10,750 की तरफ हर्डल में अटक गई है, और अगर जब तक ये 10,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि 11,200 के लेवल तक पहुंचने में। अगर कल के सेशन में हम जिस तरीके से हमें लग रहा है कि कल के सेशन भी आउट परफॉर्म करेगा तो हम कह सकते हैं कि 11,200 का लेवल इस एक्सपायरी या फिर जनवरी की एक्सपायरी में आ सकता है। सो गाइस कल भी हम बाय करने की ही सलाह देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आप निफ्टी पर ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी में, तो बैंक निफ्टी में आपको कल अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। सो गाइस अगर आपको ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, ज्यादातर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आया और मेरे पास कॉल भी आया है यूट्यूब के थ्रू कि हमें जो भी आप यूट्यूब में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं जब भी मार्केट ऊपर खुलती है तो वो शायद टारगेट के ऊपर ही हमारे स्टॉक्स ओपन होते हैं या फिर स्टॉप लॉस पे ही हमारे स्टॉक्स ओपन होते हैं तो हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। सो गाइज वो आपको मैं एक दिन पहले ही बता सकता हूँ, तो आप मुझे भी नहीं पता होता कि कल मार्केट का रिएक्शन किस तरफ रह सकता है। हम भी एक तरीके से सिर्फ चार्ट देखे एजम्पशन करके आपको सजेस्ट करते हैं, पर अगर आपको मार्केट में लाइव पैसे कमाने, अगर आपको लाइव कॉल चाहिए तो आप मेरे इस पेड सर्विस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको वहां पर सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।